आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की आगामी फिल्म शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान खुराना अपनी आने वाली फिल्म शुभ मंगल सावधान को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में आयुष्मान सेक्स संबंधी परेशानी झेल रहे हैं, एक लड़की की भूमिका में नजर आएंगे। हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की सफलता का आनंद ले रही भूमि पेडनेकर ने आयुष्मान के साथ इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय सामने रखी और कहा, यहाँ के हम एक इम्पॉर्टेंट इशू जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है लड़कों में, उसे सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे हम दिखाते हैं हाउ एज अ कपल ये दोनों उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। ये इतना बड़ा टैबू है हमारे सोसाइटी में कि यू नो लड़कों का यूजली मजाक उड़ाया जाता है, उनको नामर्द बोला जाता है अगर उनके साथ ऐसे इश्यूज हो गए। लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना कॉमन है जैसे यू माइट गेट अ फ्रैक्चर और रनिंग नोज। और हम इस फिल्म में बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। एंड आई थिंक बाकी आयुष्मान आई थिंक यही इसमें बताया गया कि मर्दानगी सिर्फ वो नहीं होता है, मर्दानगी होती है कि आप किन इश्यूज पे अपना स्टैंड लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए खड़े होते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए या फिर जिंदगी में किस इश्यूज के लिए आप एक फर्म स्टैंड लेते हैं। तो मर्दानगी उन चीज़ों के बारे में होती है, अपने कैरेक्टर को लेकर या फिर आप कितने शिविलरस हैं, औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो मर्दानगी होती है। तो इस बारे में हमने खुल के बात की इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म को देखने के बाद आई थिंक सोसाइटी में ज़्यादा खुलकर इस बारे में बात होगी जो होनी भी चाहिए। हाल ही में आयुष्मान और भूमि फिल्म के निर्देशक के साथ मिलकर एक रेडियो स्टेशन में फिल्म के सॉन्ग कान्हा को लॉन्च करने पहुंचे थे। आनेस्ट रिपोर्ट।